हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन की पर स्वागत है। तो जो हमारा लेसन है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, आज हम उसी में आगे करते हैं। आज हम करेंगे डिटेल ऑफ किंगडम एनिमेलिया। हमने प्लांटिया के बारे में किया था प्लांट से रिलेटेड, आज हम एनिमल्स के बारे में करेंगे। तो देखो, जो एनिमेलिया है, एनिमल्स से जो रिलेटेड्स हैं, जो कैटेगरी है, किंगडम है, वो क्या होते हैं? यूकैरियोट्स होते हैं, मल्टीकल्चरल और हेटरोट्रॉपिक। यानी अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करेंगे, हेटरोट्रॉपिक वो होते हैं जो अपना खुद, जो अपने आप अपना फूड प्रिपेयर ना करते हों। मल्टी सेलुलर या मल्टीकल्चर कई तरीके से, ठीक है, काम करेंगे। यस, इनका अपना अपना रोल होगा, डिफरेंस होंगे इनमें। तो इनको क्लासीफाइड किया कि किस तरह से, नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स में। जो नॉन कॉर्डेट्स में अलग अलग टाइप आएंगे हमारे, पोरीफेरा, कोलेंट्रेटा, प्लेट हेलमिथिस, निमोटेडा, एनिलीडा, इस तरह से कई टाइप आएंगे। उसी तरह से कॉर्डेट में हमारे प्रोटोकॉर्डेटा, वर्टिब्रा में ये अलग अलग टाइप आएंगे हमारे। तो इन सभी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन कॉर्डेट्स के बारे में। तो सबसे पहले हमारा क्या है? पोरीफेरा। तो पोरीफेरा में देखो, जो पोरीफेरा वर्ड्स है उसका मीनिंग क्या है? मीन्स ऑर्गेनिज्म विद होल्स, जिन जीवों में छेद हो, ठीक है। जो कैनाल सिस्टम होगा वो किस चीज़ में हेल्प करेगा? सर्कुलेटिंग वाटर, फूड एंड ऑक्सीजन। यानी कि वाटर, फूड और ऑक्सीजन के ट्रांसफर में हेल्पफुल होगा जो कैनाल सिस्टम, वो ठीक है। नॉन मोटाइल होंगे, ठीक है, सेलुलर लेवल होगा ऑर्गेनाइजेशन का। इसके अलावा मैराइन ऑर्गेनिज्म होंगे मोस्टली ये, और इनके ऊपर हार्ड कोट होंगे, यानी हार्ड आउटर कोट जिसको हम बोलते हैं स्केलेटन, ठीक है। इनका कॉमन नेम हम क्या बोल सकते हैं? स्पॉन्जिज। तो जो पोरीफेरा के बारे में हमने क्या क्या किया, वो ऑर्गेनिज्म होंगे जिनमें होल्स होंगे। जो कैनाल सिस्टम है वो किस चीज़ में हेल्पफुल होगा? वाटर, फूड और ऑक्सीजन के सर्कुलेशन में, ठीक है। नॉन मोटाइल होंगे, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें, सेलुलर लेवल होगा उसका। मैराइन ऑर्गेनिज्म होंगे, हार्ड आउटर कवरिंग होगी जिसको हम क्या बोलते हैं? स्केलेटन। और इनका कॉमन नेम हमारा क्या है? स्पॉन्जिज। एग्जाम्पल आप यहाँ से कर सकते हैं, स्पॉन्जिलिया और साइकोन। अगर हम बात करें डायग्राम की, तो इन सभी के डायग्राम हम लास्ट में दिखाएंगे आपको इसी वीडियो में। नेक्स्ट देखो हमारा कोलेंट्रेटा। जो ये वर्ड है कोलेंट्रेटा, इसका मीन्स क्या है? मीन ऑर्गेनिज्म विच बॉडी कैविटी कॉल्ड कोलेंट्रेन। यानी जिनमें बॉडी कैविटी हो उसी को बोलते हम कोलेंट्रियन, ठीक है। सिमेट्रिकल होंगे, डाइपोब्लास्टिक होंगे। डाइपोब्लास्टिक का मतलब हमारे क्या होगा? जो सेल है उसकी टू लेयर्स होंगी, ठीक है। और कॉमनली इनको हम क्या बोल सकते हैं? केंड्राइन। यानी कि स्ट्रिंग सेल्स फॉर प्रोटेक्शन आर प्रेजेंट इन द बॉडी। यानी इनकी बॉडी के ऊपर प्रोटेक्शन के लिए सेल्स होंगी। एग्जाम्पल आप कर सकते हो हाइड्रा का, सी एनिमल्स का, ठीक है। उसके बाद देखो हमारा जो नेक्स्ट है प्लेट हेलमिंथिस। जो ये वर्ड्स है इसका मीनिंग क्या है? ऑर्गेनिज्म विद फ्लैट वॉर्म्स, ठीक है, जिसको हम डोर्सो सेंट्रिकल फ्लैटेंड भी बोल सकते हैं। इनमें जो सिमेट्री है वो बायलेटरल होगी, ट्राइपोब्लास्टिक होंगे, यानी कि थ्री लेयर्स होंगी सेल की, ठीक है। फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, ठीक है। जो कोलम होंगे वो ट्रू नहीं होंगे, यानी इकोलोमेट्स होंगे। एग्जाम्पल आप प्लेनेरिया कर सकते हैं टैपवॉर्म का। अगर प्लेनेरिया का एग्जाम्पल कर सकते हैं करेंगे तो वो होते हैं फ्री लिविंग। अगर टैपवॉर्म का करेंगे वो होंगे आपके पैरासाइटिक। उसके बाद हम आगे बात करेंगे निमेटोडा के बारे में। जो ये वर्ड्स, इसका मीनिंग क्या होता है? ऑर्गेनिज्म विद राउंड सोम के साथ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको बोलेंगे हम निमेटोडा, ठीक है। बायलेटरल सिमेट्री होगी, ट्राइपोब्लास्टिक होंगे, यानी कि सेल की थ्री लेयर होगी, ठीक है। पैरासाइटिक वॉर्म्स होंगे, फाल्ज कोलम होंगे, जिसकी वजह से उन क्या बोल सकते हैं? सीपोडोकोलोमिया। एग्जाम्पल आप ले सकते हो एस्क्रिस का और दूसरा हमारा वैचिरिया का, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हमने बात क्या रखनी, ध्यान रखनी है, जो हमने तीनों चारों टाइप किए हैं, आगे जो भी करेंगे हर एक में ये बताया गया है किस तरह के ये ऑर्गेनिज्म हैं, जो सिमेट्रिकल हैं, बायलेटरल हैं या ट्राइलेटरल जैसे भी हैं, ट्राइपोब्लास्टिक है, डायब्लास्टिक है, यानी थ्री लेयर है, टू लेयर है, ये ध्यान रखना है, पैरासाइटिक है या फ्री लिविंग है जैसे भी हैं, ट्रू कोलम होंगे, फाल्ज कोलम होंगे, वो सभी के सभी हमने इनमें ध्यान रखने हैं। और ये जितने भी पॉइंट हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट्स हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एनिलीडा के बारे में।
जो एनिलिडा वर्ड है इसका मीनिंग क्या है, ऑर्गेनिज्म विद मेटामेरिक सिगमेंट्स, ठीक है, बायलेटरल सिमेट्री होगी, ट्रिपोब्लास्टिक होंगे, यानी कहने का मतलब क्या है, थ्री लेयर्स ऑफ सेल होंगी, ठीक है, और यहाँ पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, ठीक है, और अर्थवर्म के साथ ये बिलोंग करेंगे, तरीके से बोल सकते हो फैमिलियर विद अर्थवर्म, ठीक है, ट्रू कोइलोम होंगे, एग्जाम्पल आप कर सकते हो अर्थवर्म का, नेरिस का या फिर लीचिज का, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम आर्थ्रोपोडा के बारे में, जो आर्थ्रोपोडा वर्ड उसका मीन क्या है, ऑर्गेनिज्म विद जॉइंटेड लेग्स, जॉइंट लेग्स होंगी इनमें, बायलेटरल सिमेट्री होगी, ट्रिपोब्लास्टिक होंगे, यानी कि थ्री लेयर ऑफ सेल होंगी, ठीक है। कॉकरोच इसी कैटेगरी में आएगा हमारा, या इससे बिलोंग करेंगे ये, ठीक है। जो कोइलम होंगी वो क्या होंगी, बर्ड फील्ड, जिसकी वजह से हम क्या बोलेंगे, हीमोकोइलोम, यानी कि जो हीमोग्लोबिन होता है बर्ड के अंदर ही होता है, जो रेड कलर होता है बर्ड का उसी की वजह से होता है, तो इसलिए बर्ड कोइलम होने की वजह से को हम हेमियो कोइलम भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल आप कर सकते हैं यहाँ पर हाउस फ्लाई का, प्राउन का, स्क्रोपाइंस, अलग अलग एग्जाम्पल दे रखें, कोई भी आप एग्जाम्पल कर सकते हैं। उसके बाद करेंगे हम मोलस्का के बारे में, जो मोलस्का वर्ड है इसका मतलब क्या है, ऑर्गेनिजम्स विद सॉफ्ट बॉडी, यानी सॉफ्ट बॉडी होगी, बायलेटरल सिमेट्री होगी, ट्रिपोब्लास्टिक होंगे, ठीक है, ऑक्टोपस फैमिलियर से बिलोंग करेंगे, उसके साथ होंगे, और पिला, ठीक है, इनमें पैर होंगे, फुट इज फॉर मूविंग, चलने के लिए, किडनी होगी, एक्सक्रीशन के साथ, एक्सक्रीशन में हेल्पफुल होगी, यानी एक तरीके से एक्सक्रीशन का काम करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। और जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इनमें होगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, एग्जाम्पल आप कर सकते हो यहाँ पे यूनियो और चिटोन्स का। उसके बाद देखो एच्यूटरमेटा के बारे में बात करें, इसमें वो ऑर्गेनिज्म होंगे विद स्पाइनी स्किन, स्किन के बारे में बात की है, एक्जोस्केलेटन होगा, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट्स के साथ में, यानी कैल्शियम कार्बोनेट्स की इन्वॉल्वमेंट होगी एक्जोस्केलेटन के अंदर, ठीक है। सिमेट्रिकल होंगे, रेडली सिमेट्रिकल होंगे, ट्रिपोब्लास्टिक होंगे, यानी थ्री लेयर ऑफ सेल होंगी, ठीक है, कोइलमिक कैविटी भी होगी, स्टारफिश फैमिलीज में आएगी हमारी, ठीक है। फ्री लिविंग होंगे, मेराइन एनिमल्स होंगे, एग्जाम्पल आप यहाँ पे कर सकते हैं सी कुकुम्बर और फिदर स्टार, ठीक है। ये तो थे हमारे नॉन कॉर्डेट्स के बारे में। अगर हम बात करें कॉर्डेट्स के बारे में, तो इनको दो ग्रुप पे क्लासिफाई किया गया है, कौन कौन से, प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रा। तो प्रोटोकॉर्डेटा के बारे में बात करें, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी इनके एक लेटेस्ट लार्वल फॉर्म में होगी, लेकिन रूडिमेंट्री होगी, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, रोड लाइक स्पोर्टिक स्ट्रक्चर होगी, ठीक है, नर्वस टिश्यू के साथ रन अप करेगी किसी भी एनिमल्स के अंदर जो उसके गट्स होते हैं वहाँ से। इसके अलावा बायलेटरल सिमेट्री होगी, ट्रिपोब्लास्टिक होंगे, ठीक है, और साथ में कोलम भी होंगे, ठीक है, एग्जाम्पल आप यहाँ से कर सकते हैं। जो नेक्स्ट हमारा वर्टिब्रा उसके बारे में बात करें, जो नोटोकॉर्ड है उसकी बजाय इनवर्टिबल कोलम होंगे और इंटरनल स्केलेटन होगा, बायलेट्रिकल सिमेट्री होगी, ट्रिपोब्लास्टिक होंगे, कोलमिक होंगे और सिगमेंट भी होंगे इनमें, ठीक है। जो वर्टिब्रा अग्र इनके बारे में बात करें, तो पांच क्लासेज बनाई हमारी, फाइव क्लासेज हैं। पहला पीसिस के बारे में देखो, इनको हम फिशिज भी बोल सकते हैं, यानी एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक, जो जलीय जंतु वो रखे जाएंगे, बॉडी स्ट्रीमलाइंड होगी, लोकोमोशन के लिए टेल होगी, गिल्ज होंगी रेस्पायरेशन के लिए, हार्ट के दो चैम्बर होंगे, कोल्ड ब्लडेड होंगे, जो स्किन है वो स्केल से ढकी होगी और साथ के साथ प्लेट्स भी होंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, ठीक है, जो स्केलेटन है बोन्स के उसका एग्जांपल रोहू, कार्टिलेज के बारे में बात करो शार्क के अंदर होगी, अंडे देंगे, एग्जांपल आप लॉइन फिश का ले सकते हो, डॉग फिश का ले सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारा एम्फीबियन, इसको हम एम्फीबियन से बोलेंगे, कॉमन नेम इसका यही होगा। रीजन इसको एम्फीबियन बोलने का, ये क्या है, लैंड पर भी रह सकते हो और वाटर में भी। बॉडी क्या है, स्ट्रीमलाइंड होगी, वेब्ड फीट होंगे या फिर लोकोमोशन के लिए पैर होंगे, ये भी बोल सकते हैं आप, गिल्स भी हो सकते हैं और लंग्स भी हो सकते हैं, या फिर स्किन भी हो सकती है रेस्पायरेशन के लिए। अगर बात करें हार्ट की, हार्ट के तीन चैम्बर होंगे, थ्री चैम्बर्ड हार्ट होगा, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होंगे, ठीक है, जो स्केल्स उसकी कमी होगी, ठीक है, प्लेट्स होंगे, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, दोबारा से फिर हमारा दे रखा है यहाँ पर, सिर्फ कोल्ड ब्लडेड लिख रखा था, तो यहाँ पर हमारा कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। अंडे देंगे, एग्जाम्पल आप कर सकते हो राना और हाइलिया का।
आगे बात करें रेप्टाइल्स की, इनको रेप्टिलियन भी बोल सकते हैं। रेस्पिरेशन के लिए लंग्स होंगे, हार्ट के 3 चैम्बर होंगे। अगर क्रोकोडाइल के बारे में बात करें वहाँ पर हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। स्किन जो होगी उसमें स्केल्स होंगे। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होंगे, ये भी अंडे देंगे। एग्जाम्पल आप स्नेक का कर सकते हो और टर्टल्स का कर सकते हो। उसके बाद बात करेंगे एव्स के बारे में, इनको जो कॉमन वर्ड यूज किया जाएगा, इनको कॉमन नेम क्या बोल सकते हैं, बर्ड्स। रेस्पिरेशन के लिए लंग्स होंगे, हार्ट के 4 चैम्बर होंगे, 4 लिंब होंगे, किसके लिए, फ्लाइट इन उड़ने के लिए। स्किन हैज फीदर्स, ये जो त्वचा है उसके ऊपर, जिसको हम बुर भी बोल सकते एक तरीके से, वो होंगे। वार्म ब्लडेड एनिमल्स होंगे और अंडे देंगे। एग्जांपल आप ऑस्ट्रिच यानी फ्लाइटलेस बर्ड्स जिसको हम बोलते हैं, पिजन्स, शुतुरमुर्ग, कबूतर वगैरह, इसमें एग्जाम्पल रखे जाएंगे हमारे, और स्पैरो का आप रख सकते हो। तो यहाँ तक आपने सबसे ज़रूरी बात क्या रखनी है, रेस्पिरेशन किस तरह से होगा, हार्ट के कितने चैम्बर होंगे, ठीक है, स्केल्स होंगे या नहीं होंगे, प्लेट्स होंगी या नहीं होंगी, ठीक है, अंडे देंगे या नहीं देंगे, और कॉमन नाम, जो कॉमन नेम इनका वो क्या होगा, इस बात का आपने सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे मैमिलिया के बारे में, वो देखिए आप ध्यान से एक बार। कॉमनली हम इनको क्या बोलेंगे, एनिमल्स विद मैमरी ग्लैंड्स फॉर प्रोड्यूसिंग मिल्क टू नरिश देयर यंग वंस, यानी अपने बच्चों के पोषण के लिए क्या करेंगे, मिल्क प्रोड्यूस करेंगे, दूध देंगे, ठीक है, जिसके लिए इनमें कौन सी ग्लैंड्स होंगी, मैमरी ग्लैंड्स होंगी, ठीक है। इसके अलावा रेस्पिरेशन के लिए लंग्स होंगे, हार्ट के 4 चैम्बर्ड होंगे, स्किन पर हेयर्स होंगी, ठीक है, स्वेट और ऑयल ग्लैंड्स होंगी जो पसीने वगैरह आते हैं, ठीक है। वार्म ब्लडेड एनिमल्स होंगे, अंडे देंगे, एग्जाम्पल आप कर सकते हो प्लेप्स और चेनिजस का। इसके अलावा गिव बर्थ टू यंग वंस पुअरली डेवलप्ड, यानी कि अपने बच्चों को जन्म देने का भी काम करेंगे, जैसे कि कंगारू आप बोल सकते हो, जिनकी डेवलपमेंट पूरी ना हो, उनमें एग्जांपल है कंगारू का। एंड गिव बर्थ टू डेवलप्ड यंग वंस, और अगर इनके बच्चे पूरी डेवलपमेंट कर लेते हैं तो उनको भी जन्म देने का काम करें, उसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं आप ह्यूमन बींग्स का, ठीक है। इसके अलावा और करना चाहें तो आप कर सकते हैं लॉयंस, वहेल, बैट्स, इन सभी के आप एग्जाम्पल इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा एक वर्ड आया था हमारा बार बार, वो क्या था, सिमेट्री, यानी कि सिमेट्री का मतलब क्या होता है, वो होता है सिमिलरिटी के लिए, ठीक है, समरूप जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें डिटेल ऑफ नॉमिनी कल्चर, जो इनकी नेमिंग रखी गई उसकी डिटेल्स के बारे में, तो देखो नॉमिनी कल्चर्स क्या होता है, द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेमिंग और नॉमिनी कल्चर विद इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्लस लाइंसेस, ये साइंटिस्ट का नाम दे रखा है, सबसे पहले उसने बताया था, यानी साइंटिफिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो नेमिंग होती है उसके बारे में बता करना। इसके अलावा इट इज़ यूनिक टू आइडेंटिफाई इन द वर्ल्ड, संसार के अंदर यानी पहचान करना किसी भी चीज़ की, ये काफ़ी यूनिक मेथड है, यूनिक है बिल्कुल सबसे, ठीक है। वी लिमिट आवर सेल्फ टू राइटिंग द नेम ऑफ द जीन्स एंड स्पीसीज ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर हम बात करें उसके जीन्स या स्पीसीज के बारे में लिखना है तो लिमिटेड ही है, जैसे हमने लिख दिया ह्यूमन स्पीसीज के बारे में लिखा है, तो इसके लिए पर्टिकुलर एक वर्ड यूज किया गया, सिर्फ वो लिमिटेड ही होगा। इसके अलावा द वर्ल्ड ओवर इट हैज़ बीन एग्रीड दैट बोथ दीज नेम्स विल बी यूज इन लैटिन फॉर्म, और इसके अलावा क्या डिसाइड किया गया, लैटिन फॉर्म में जो वर्डिंग यूज होगी चाहे स्पीसीज की और जीन्स की वो यूज की जाएगी, ठीक है। व्हेन प्रिंटेड इज गिवन इन इटैलिक एंड व्हेन रिटन बाय हैंड द जीन्स एंड स्पीसीज नेम हैव टू बी अंडरलाइन सेपरेटली, कहने का मतलब क्या है, जब प्रिंटेड किया जाएगा इसको इटैलिक में और हाथ से लिखा जाएगा तो सिंपल सी बात क्या है, जीन्स और स्पीसीज को अलग अलग अंडरलाइन किया जाएगा, ठीक है, उनकी नेमिंग को अंडरलाइन किया जाएगा। एग्जांपल आप ऑस्ट्रिका ले सकते हो, कॉमन नेम क्या है इसका, वो दे रखा हमारा स्ट्रुथियो कैमलस, साइंटिफिक नेम है, 2 पार्ट है इसके नेम के, जीन्स और स्पीसीज के बेस पर, ठीक है। तो यहाँ तक हमने किया, तो यहाँ तक हमारा लेसन कंप्लीट हो जाता है, और जो नॉमिनी कल्चर का टॉपिक है जो आगे प्लस वन प्लस टू की क्लासेज में बायोलॉजी लेंगे जो स्टूडेंट्स, वहाँ पर आपको इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल से मिलेगा। तो यहाँ तक हमने जो कवरअप किया है एनिमिलिया के बारे में हम कंप्लीट कर चुके हैं, कहीं पर किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो एक बार हम इसको दोबारा से रिमाइंड कर लेते हैं, हमने किया क्या क्या है आज, सबसे पहले हमने किए
जो किंगडम एनिमेलिया है इसके बारे में, नॉन कोर्डेट्स और कोर्डेट्स के बारे में, नॉन कोर्डेट्स के जो टाइप थे उन सभी के बारे में किया, यानी कि उनमें किस तरह का क्या होगा, मोटाइल है या नॉन मोटाइल है, हार्ड आउटर कवरिंग होगी या नहीं होगी, कॉमन नेम क्या यूज किया है, सिमेट्री रेडिकल सिमेट्री होंगे या नहीं होंगे, टाइपोब्लास्टिक होंगे या ट्राइपोब्लास्टिक होंगे या बायलेटरल सिमेट्री होगी, वो सभी हमने डिस्कस किया। और यही वो पॉइंट्स हैं जिनमें इन दोनों में डिफरेंस मिलता है, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट्स को आपने अच्छे से लर्न आउट करना है। कोइलम ट्रू होंगे या फाल्ज होंगे, ठीक है, बल्ड कोइलम होंगे या नहीं होंगे, वो सारे के सारे पॉइंट हमने यहाँ पे किए हैं। तो यहाँ तक जो भी हमने किया है आपने इसको अच्छे से लर्न आउट करना है। और जो भी एग्जाम्पल हैं हर एक के हमने होस के, तो दो तो कम से कम एग्जाम्पल करें, वरना एक तो हमने करना है। रेस रेडिएशन का सिस्टम क्या होगा अगर हम बात करें कोर्डेट्स के बारे में, ठीक है, चैम्बर्ड कितने होंगे हार्ट के, कोल्ड ब्लडेड होंगे या वार्म ब्लडेड होंगे, वो सभी पॉइंट हमने कवर अप किए। तो यहाँ तक किसी का किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप पूछ लेंगे। तो मैं आशा करता हूँ यहाँ तक वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें डायग्राम्स की, तो डायग्राम को भी हम कवर अप कर लेते हैं। तो डायग्राम देखें सभी के, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे पोरीफेरा के। पोरीफेरा में हमारे यहाँ पे डायग्राम दे रखे हैं, किस किस का डायग्राम वो नीचे लिख भी रखा है, आप कोई भी दो नाम याद रख सकते हो और डायग्राम देख सकते हैं। उसके बाद आगे जो हमारी बात थी पोरीफेरा के बाद, वो थी कोलेंटेटा के बारे में, जिसका डायग्राम हम यहाँ से कर सकते हैं, डायग्राम दे रखे हैं हाइड्रा का और सी एनिमोन का, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा था प्लेटे हाइमोथ्रीसिस का, उसका डायग्राम हमारा यहाँ से प्लान एरिया हो गए, टैप वॉर्म हो गए, वो सभी, ठीक है। निमोटेडिया के बारे में बात करें, उसके डायग्राम आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, इनकी स्ट्रक्चर्स दे रखी हैं यहाँ पर। एनिलीटा के बारे में बात करें, तो एनिलीटा के बारे में हम यहाँ से देख सकते हैं, अर्थवर्म वगैरह है, जो जोंक वगैरह देखे होंगे आपने, केचे वगैरह देखे हैं, वो सभी इसमें हमारे हैं, ठीक है। आर्थ्रोपोडा के बारे में बात करें, तो आर्थ्रोपोडा के बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं इनके डायग्राम। तो ये देखिए, ये सारे के सारे आर्थ्रोपोड्स में आते हैं, आर्थ्रोपोडा में आते हैं हमारे ये वाले, ठीक है। उसके बाद मोलस्क के बारे में बात करें, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हमारे मोलस्क, ऑक्टोपस हो गया, पीला, यूनो, सिलिटोन, ये सभी हमारे एग्जाम्पल इसमें आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा एचिनोडर्मेटा, उसके डायग्राम हम यहाँ से करेंगे। जो प्रोटोकोर्डेटा है, अगर उसके बारे में बात की जाए, तो उसके डायग्राम देखिए आप, यहाँ पर उसके डायग्राम है हमारे, यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है। इसके अलावा जो वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा में सभी के अलग अलग एग्जाम्पल दे रखे हैं, डायग्राम के थ्रू दिखा भी रखा है, तो आप सभी डायग्राम देख सकते हैं इस तरह से, एम्फीबियन के, रेप्टाइल्स के, जो जो भी हैं हमारे डायग्राम, सभी के सभी आप देख सकते हैं। एव्स के वगैरह में हम बात करें, बंदर वगैरह के बारे में, सारे के सारे एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखे हैं, मैमल्स के हमारे यहाँ पर हैं। तो इन्हीं सभी एग्जाम्पल्स को आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं डायग्राम से। डायग्राम सिर्फ आपको समझाने के लिए, दिखाने के लिए नहीं, स्ट्रक्चर किस तरह से कैसे दिखाई देते हैं। और वैसे आपको पता भी है, जो कॉमन से एग्जाम्पल हैं हमारे, जैसे मनुष्य हो गया, चमगादड़, बैट्स वगैरह, रैबिट वगैरह, कैरेट पोटेटो सॉरी पीजन वगैरह हो गए, पैरेट वगैरह हो गए, इनको आप वैसे पता भी आपने इनके स्ट्रक्चर्स का, फिर भी आप अपनी बुक में से देख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ यहाँ तक वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछ सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जितना ज़्यादा हो उसके सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, और जितना सपोर्ट हो उतना सपोर्ट करने की कोशिश करें। थैंक यू।